और देखिए आज अगर टूट हुई है तो इस टूट के पीछे जहाँ नीतीश जी की महत्वाकांक्षा है, रह रहकर हिलोरे लेती है, हर दो साल पर प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, तो एक तो उनकी महत्वाकांक्षा, दूसरा ललन सिंह का जलन, उनकी जलन, आरसीपी कैसे बन गए, आरसीपी बन गए मैं क्यों नहीं बना, तो उन्होंने हाथ मिला लिया लालू यादव से। आप ही ने कहा कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, आरएसएस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, क्यों आए थे हमारे साथ, फिर कहा कि मैं लालू से हाथ नहीं मिलाऊंगा, क्यों चले गए लालू के साथ, तो कोई नैतिकता है, कोई नीति है, कोई सिद्धांत है। तो किसानों की कर्ज माफी और 10 लाख की नौकरी, ये बड़ा मुद्दा होगा बीजेपी का। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आरसीपी सिंह अपने मन से ही केंद्र में मंत्री बने थे। अगर अपने मन से बने तो आपने उनको निकाल क्यों नहीं दिया पार्टी से, उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए क्यों नहीं आपने आवेदन दिया चेयरमैन के पास, आप प्रधानमंत्री को लिखते कि आपने मनमानी किया है, इनको हटाइए मंत्रिमंडल से। देखिए इससे बड़ा झूठ और असत्य कुछ भी नहीं हो सकता है। अमित शाह जी ने 2-2 बार उनसे बातचीत की और जब उन्होंने नाम दिया तब आरसीपी सिंह बने हैं मंत्री, और जो आदमी 13 महीने तक मंत्री बना, मंत्री पद पर बना रहा, अब आप करेंगे अपने मन से बन गया तो अगले ही दिन हटाते ना, 13 महीने तक क्यों उनको बर्दाश्त किया। तो इस प्रकार का भी झूठ कोई बड़ा नेता बोल सकता, मुझे तो सुनकर आश्चर्य होता है। महागठबंधन की सरकार बनते ही ललन सिंह ने अपने ही नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 4 ऐसे नेता हैं जिनके कहने पर महागठबंधन छोड़कर के एनडीए में शामिल हुए थे, क्या ये बात सत्य है? देखिए ललन सिंह के कारण जनता दल यू के कम से कम दर्जनों नेता जो है उन्होंने इतना अपमानित किया है, इतना जलील किया है कि दर्जनों नेता है, मैं नाम नहीं लूँगा, जो घुटन महसूस करते हैं। तो ये जितना अपना दादागिरी दिखाएंगे उतना ही घुटन जनता दल यू के भीतर बढ़ता जाएगा। और देखिए आज अगर टूट हुई है तो इस टूट के पीछे जहाँ नीतीश जी की महत्वाकांक्षा है, रह रहकर हिलोरे लेती है, हर 2 साल पर प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, तो एक तो उनकी महत्वाकांक्षा, दूसरा ललन सिंह का जलन, उनकी जलन, आरसीपी कैसे बन गए, आरसीपी बन गए मैं क्यों नहीं बना, तो उन्होंने हाथ मिला लिया लालू यादव से। तो आरसीपी, ये ललन सिंह जी की जलन, नीतीश जी की महत्वाकांक्षा और तेजस्वी यादव की व्याकुलता, उसको लग रहा था कि मैं तो सत्ता के नज़दीक तक पहुंच गया था, नीतीश जी ने हाथ खींच दिया, तो बेताब थे कि किसी तरह से सत्ता में आ जाएं। इन तीनों का मिलन हो गया, तीन धाराओं का, महत्वाकांक्षा, जलन और व्याकुलता, और उसी का फल में गठबंधन टूटना है। सर आपने बीते दिनों पहले कहा था कि जेडीयू के कुछ नेता बीजेपी नेताओं के पास आए थे और नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाना चाहते थे, इसको भी नीतीश कुमार ने कहा है कि सुशील मोदी झूठ बोल रहे हैं। तो भी आज वो कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद की मेरी इच्छा नहीं है, और उनके अगल बगल के नेता नारा लगा रहे हैं देश के नेता कैसा हो नीतीश कुमार जैसा हो, बयान आ रहा है उनके नेताओं का कि सारे गुण उनके अंदर देश का प्रधानमंत्री बनने। अगर कोई नेता अपने मन से बोलता है या अपने से बोलता है कि मैं उपराष्ट्रपति बनना चाहता हूँ या प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, सब लोग जानने की क्यों तोड़ा गठबंधन और कह रहे हैं कि मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। अरे उनकी केवल बिहार के ही नेता नहीं बल्कि दिल्ली के भी नेताओं से उनके नेताओं ने मुलाकात की और सुझाव दिया बीजेपी को कि उनको बना दीजिए, अच्छा रहेगा, लेकिन बीजेपी नहीं तैयार हुई। तो उनके टूटने के कारणों से एक ये भी उनको लगता है कि अब बीजेपी के साथ रहेंगे तो कोई गुंजाइश नहीं, आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इसके आगे हम कुछ नहीं बन सकते। तो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उन्होंने तोड़ दिया। 8वीं बार बिहार में सरकार बनी 10 साल के अंदर, कोई सरकार 1.5 साल से ज़्यादा नहीं चल पाई, तो ऐसी स्थिति में राज्य कैसे आगे बढ़ेगा। 2005 से लेकर 2013 तक जितना काम हुआ उसके बाद वो काम हुआ जरूर लेकिन गति कम हो गई, क्योंकि हर 1.5 साल पर सरकार, कभी मांझी, कभी नीतीश जी, फिर कभी राजद, कभी बीजेपी, फिर राजद को छोड़ दिया, फिर बीजेपी को छोड़ दिया, फिर राजद को। अरे भाई आप ही ने कहा कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, आरएसएस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, क्यों आए थे हमारे साथ, फिर कहा कि मैं लालू से हाथ नहीं मिलाऊंगा, क्यों चले गए लालू के साथ, तो कोई नैतिकता है, कोई नीति है, कोई सिद्धांत है। तो देखिए इनको गलतफहमी अपने बारे में, इनकी लोकप्रियता कम होती जा रही है, इनका जनाधार घटता जा रहा है। 2010 में 115 सीट जीते थे, 2015 में घटकर 71 पर पहुंच गए और 2020 में 45 पर पहुंच गए, और अगला चुनाव आएगा तो 15-20 जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इनको एहसास ही नहीं है, अरे एक उम्र के बाद छोड़ देना चाहिए, बहुत हो गया 18 साल, लेकिन अब उनको लगता है कि मैं कुछ बन जाऊंगा,
तो इसलिए उनका तो जनाधार घटता जा रहा है। अगर नरेंद्र मोदी ने 2020 में आक्रामक तरीके से आरजेडी पर हमला नहीं किया होता प्रचार में, तो इनकी जो 45 सीट आई है वो 25 सीट भी जीतना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। सर एक सवाल है कि ललन सिंह ने कहा कि 10 लाख नौकरी का वादा तेजस्वी यादव ने किया था विधानसभा चुनाव के वक्त, अब तो उनकी सरकार भी बन गई, क्या लगता है 10 लाख नौकरी देंगे वो? नहीं, हम तो इंतजार कर रहे हैं। और कैसे पाला बदल रहे हैं, पहले कहा कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में हस्ताक्षर होगा, तो मंत्रिमंडल की पहली बैठक तो हो गई, अब कह रहे हैं कि हजारों में देंगे, फिर कभी कहते हैं लाखों में देंगे, फिर कहते हैं कि हम विचार कर रहे हैं। तो आपने तो 10 लाख नौकरी कहा था, सरकारी नौकरी, आपने कोई रोजगार नहीं कहा कि प्राइवेट सेक्टर में जो रोजगार है हमारा उद्योग लगाएंगे और जो रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरी 4.5 लाख जो वैकेंसी, वो कह रहे 4.5 लाख वैकेंसी है कि नहीं, वो तो बताएंगे नीतीश जी और जो भी और सारी बातें थी। तो इंतजार है, हमारा इंतजार है और इस मुद्दे को लेकर हम छोड़ेंगे नहीं। हम आगे आने वाले दिनों के अंदर किसानों की कर्ज माफी और 10 लाख की नौकरी, ये बड़ा मुद्दा होगा बीजेपी का और हम इनको कटघरे में खड़ा करेंगे और घेरेंगे कि आपने 10 लाख का वायदा किया था, क्या हुआ 10 लाख की नौकरी? आज़ादी महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के 75वां साल पूरा होने पे मैं बिहार और भारत के सारे वासियों से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से बहुत बहुत शुभकामना मैं देता हूँ और इस 75वां साल के आज़ादी का पूरा होने का भरपूर लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।